अरे चतरावले, तू ये क्या कर रहा है? तू पेड़ पर क्यों लटका हुआ है चतरावले? नीचे उतर। अरे एसीपी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है, उसमें शहद निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे चतरावले, अगर मधुमक्खियाँ लड़ गईं तो हमारा वो हाल करेंगी, तुम्हें डॉक्टर सालों को भी नहीं बचा पाएगा। नीचे उतर तू, हम कोई और इंतजाम करते हैं मधुमक्खियों पकड़ने के लिए। अरे एसीपी प्रद्युम्न, तुम कितना मर्जी जोर निकालो, मैं शहद निकाल कर ही हटूँगा, नहीं मेरे से पहले ये लंगूर उतार लेगा जो सामने की तरफ लटका हुआ है। अरे श्रेया जल्दी करो, ये पतीला छत्ते के नीचे होना चाहिए, एक भी शहद की बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए श्रेया। अरे वो एसीपी प्रद्युम्न, ये कोई मामूली शहद नहीं है, ये एक जादुई शहद है। जादुई शहद, जो भी इसे पिएगा वो अमर हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे दया, तभी तो हमने इसका और ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये खूनी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, खूनी पता नहीं क्या क्या करेगा इस शहद का। अरे चतरावले, तुझे किसने बताया ये एक जादुई शहद है? तुमको कैसे पता चल गया? अरे ओ एसीपी प्रद्युम्न, तुम्हारे डॉक्टर सालुके ने बताया था मुझे कि एक पेड़ पर जादुई शहद लमका हुआ है, मुझे सूचना मिली है कि भी खूनी अब वहाँ पर पहुँच रहा है, उससे पहले मैं पहुँच गया। अरे चतरावले, तुमने तो कमाल ही कर दी, खूनी को पकड़ने तू पहुँचता नहीं, इस छत्ते को पकड़ने के लिए सबसे पहले पहुँच गया तू, कमाल है चतरावले तू भी। अरे एसीपी, क्यों चतरावले को तू वैसे ही समझता है? अभी देखना मेरा प्रमोशन कैसे होगा, सीधा तुम्हारे से ऊपर जाऊँगा, ऊपर मैं।